हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आए हैं, ये बहुत जल्दी बन जाती है, ना ही तो मावा, ना दूध, ना मिल्क पाउडर, कुछ भी नहीं लगेगा और मिठाई इतनी टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही जल्दी बनने वाली और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो एक पैन लेंगे, उसे गैस पे रख देंगे और एक कटोरी हमें चीनी ऐड करनी है और एक कटोरी चीनी में हमें आधा कटोरी पानी ऐड करना है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही पकाना है हमें चाशनी को। तो इधर हमने फ्लेवर के लिए दो इलायची ऐड कर दी हैं और थोड़ी चाशनी हमारे पास बची रखी थी वो भी ऐड कर देंगे इसी में और इस चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहीं पर आप केसर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, तो हमने कलर ऐड किया है, केसर हमारे पास नहीं था इसलिए। थोड़ी चाशनी भी हमारे पास थी वो भी ऐड कर दी है। तो इधर हमारी चाशनी बन के तैयार है, चीनी घुल चुकी है और यहीं पर कलर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, अगर केसर है आपके पास तो ज़रूर ऐड करें। चाशनी रखेंगे साइड में और इधर हमने लिए हैं ब्रेड, तो बड़े वाले ब्रेड हैं, आप अपने हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं छोटे या बड़े, वैसे आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। तो इधर हमने ब्रेड ले लिए और इसे इस तरह से ग्लास से या कटोरी से या कुकी कटर से किसी से भी कट कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे ब्रेड काट लेने हैं। तो इधर यहाँ हमारे सारे ब्रेड कट के तैयार हैं। तो अब लेंगे हम थोड़ी मलाई, तो फ्रेंड्स 2 से 3 चम्मच मलाई है, तो गाढ़ी मलाई चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतली मलाई नहीं चाहिए। तो इधर हमने बादाम और काजू को बारीक कट कर लिया है और इसे ऐड कर दिया है। तो ये मुंह में जब दाने आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद हमने किया है नारियल का बुरादा ऐड, क्योंकि हमारी तो 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा ऐड किया है, 2 ही चम्मच हमने चीनी ऐड की है पिसी, तो इसे मिला लिया है। तो अभी हमारी मलाई थोड़ी पतली लग रही है तो इसमें थोड़ा सा और नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। तो इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए अपनी मलाई, तो मलाई हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। अब लेंगे जो काट के रखा था वो ब्रेड और इस तरह से इस पर फैला देंगे मलाई को और ऊपर से दूसरा ब्रेड का टुकड़ा रख देंगे और दबा देंगे इसे अच्छे से। और सभी ब्रेड इसी तरह से हमें बना के तैयार कर रहे हैं। तो इधर हमारे सारे ब्रेड बन के तैयार हैं, तो सभी ब्रेडों को हम चाशनी में डिप करेंगे। तो थोड़ी सी चाशनी हमने कटोरी में ली है, पूरी पैन में नहीं डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप हो जाएंगे इसलिए। तो थोड़ी इस तरह से चाशनी ले लें और इस तरह से लगाते हुए घुमाते हुए अच्छे से इसे डिप करना है चाशनी में। बहुत देर तक हमें चाशनी में डिप नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और टूटने लगेगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इधर लेंगे हम नारियल का बुरादा और इसे कोट कर देंगे अच्छे से, इससे हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बन जाएगी और लुकिंग बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने। और सभी इसी तरह से बना के हमें मिठाई तैयार करनी है। तो इधर हमने टूटी फ्रूटी से इसे डेकोरेट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी। इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।